एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह व एसपी सिटी किश कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में अनेक्सी भवन के सभागार में आगामी त्योहारों की तैयारियों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि होली व ईद को संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी थानों से नागरिकों का आगमन हुआ था। इसमें सभी संभ्रांत व्यक्तियों को ईद व होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा गया है। इसके साथ ही सभी विभागों को दिशा निर्देश दिया गया है कि त्योहारों पर जो भी अरेंजमेंट होते हैं आए हैं वो सभी चीजें समय से उपलब्ध हो, जिससे त्योहार सकुशल संपन्न हो सके। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे, एसपी सिटी ट्रैफिक संजय कुमार, एडीएम सिटी सदर मृणाली अविनाश जोशी, सीओ कैंट अंशिका वर्मा, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो जो भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो परमिशन के साथ ही आप लोग करेंगे, और उसमें अगर नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है तो उसमें एग्रीमेंट आप दे देंगे कि ये कार्यक्रम जो है नॉन पॉलिटिकल है, उसमें किसी भी पार्टी की झंडा पोस्टर बैनर लोगों इस तरीके के इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि बाद में वहाँ पे हम लोग के द्वारा तो ऐसी निगरानी टीम नहीं निर्धारित की जाएगी, पर अगर कहीं हमारे पास शिकायत आती है और साथ तरह शिकायत आती है तो फिर आयोजक जो है निदान होंगे। तो इस विषय जरूर ध्यान लेंगे कि परंपरागत चीजें भी जो चलेंगी उस विषय आप लोग पूर्व में ही अनुमति प्राप्त कर लेंगे, अनुमति हमारे यहाँ से मिलेगी तो उसमें किसी प्रकार की संसद नहीं। हमारा व्यक्ति से हमारा बस यही आशा है कि जो त्यौहार हम लोग मेल मिलाप के साथ करते चले आए हैं, इंसिडेंट फ्री त्यौहार रहे हैं पास में, उसी तरीके से आगे भी बिना किसी इंसिडेंट के हमारे ये त्यौहार हो जाए। अभी दोनों समुदाय एक दूसरे के सहयोग करते रहे और जो हमारा होली और जो हमारी ईद का त्यौहार है वो सफलता से संपन्न हो जाए, क्योंकि मैं वो देखकर मीटिंग की चुनौती की घोषणा करती हूँ। महोदय, जो तीन होली मिलन के कार्यक्रम है वो भी आचार संहिता के दायरे में आएंगे क्या? परमिशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा, उसमें अगर आप चले नहीं भी बुलाएंगे तो भी परमिशन लेंगे। परमिशन अलग अलग स्थिति में वो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल होने का एक एग्रीमेंट करना होगा, तो आपको करना होगा परंपरा करते तो कम से कम लोग सूचना तो रहे कि आप कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, रोज रोज कार्यक्रम कुछ हो रहा है अगर क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, आज होली और ईद के मद्देनजर जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी थानों से संभ्रांत व्यक्तियों का आगमन भी हुआ था। सभी संबंधित विभाग के भी लोग भी आए हुए थे। उसमें सभी संभ्रांत व्यक्तियों को जो हमारे आगामी त्यौहार ईद और होली है उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए उनसे अपेक्षित सहयोग मांगा गया है, और सभी विभागों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जो पूर्व की भांति हमारे अरेंजमेंट्स होते आए हैं त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए, तो वो सभी तरीके से तैयारियाँ पूर्ण रहे।